पिक्चर तो बना रहे हो लेकिन नामदेव साउथ स्टाइल बना रहे हैं, साउथ स्टाइल बना रहे से नहीं चलेगा। आपको किस टाइप का सपोर्ट चाहिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? उनको मनी का सपोर्ट चाहिए, पैसे। रियल बात यही है कि पैसे का सपोर्ट चाहिए। इनके सपोर्ट से लोग आज करोड़पति बन गए हैं। कोई 5 करोड़ का मकान बना रहा है, कोई 20 करोड़ का बना रहा है, और इनका यही मकान है। दिखा दीजिए, हमारे कलाकार लोग जो है वो ताजमहल अपना बनवा रहे हैं, तो ताजमहल तो यहीं रह जाएगा, मगर ये जो है इनका याद हमेशा हम लोग के जहन में रहेगा। और इनको कुछ होता है इस स्थिति में तो इसका जिम्मेवार कौन? आप उदास मत होइए, आपका आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि बड़े स्टार आपका जरूर सपोर्ट करेंगे। हम लोग तो खैर छोटे आदमी हैं। चले जी, करते हैं क्या बोले, मतलब थोड़ा समय से हो जाता तो ठीक रहता ना। अब करेंगे करेंगे, करते करते पता नहीं क्या होगा। देखिए, सब अपना काम में बिजी है। जी, फोन टिकट मिला था, आसनसोल से नहीं लिया। नहीं, आसनसोल से अभी उनका कैंसिल नहीं हुआ है, हो सकता है कि वहीं से लड़े। एक घोषणा किए हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, और पार्टी अभी ये नहीं कि बोला है कि आप नहीं लड़ोगे, उनके जगह पे दूसरे का नाम नहीं है। कहीं से लड़ेगा? भारी बहुमत से जीतेगा। आपका आशीर्वाद है? मेरा आशीर्वाद है, मेरा वचन है जी। इसलिए को बच्चा का दिल बहुत अच्छा है। ऑपरेशन के बाद भी ब्रजेश त्रिपाठी जी गुजर गए, सैल्यूट करता हूँ। दोस्त है मेरे, बेचारे 25,000 रुपये लेके हैं बॉम्बे के घर पे जी। भैया ही 25,000 रुपये रख ला, पवन सिंह बेगला ला रहुआ लगे। हाँ, बोले काहे खातिर तो रखा ना, अब काहे खातिर भेज रखा पिया। उसके बाद हम 2 दिन के बाद मल में शूटिंग कर रहे थे जी। हम गए पवन बेटा, 25,000 किसने भेजा तुम? बोला कि चाचा हम तो वो पिक्चर स्टार्ट करा था नी, ओकरे साइनिंग भेज लिया सैया के साथ मरैया में काम किया था, तो उसका तो पैसा मिला ही था। सैया के साथ मरैया में तो उसके बाप ही किया था, जीत दिया सक भी तो मैं मिला नहीं था। तो कहने का मतलब है कि राजा गोरा का बहुत सही है, दिनेश राम नेता निरहू वो तो मेरा बेटा ही है। निरहू जाएगी, निरहू को तो सारे लोग मानते हैं, हम लोग मानते हैं। अच्छे, अगर आपका स्वास्थ्य अगर ठीक हो जाता है तो आप क्या दोबारा इंडस्ट्री में जा सकते हैं? वो ठीक है तो हम कहाँ जाएंगे, वही जाएंगे ना, सब लोग तो आग बिछा के बैठे। एक बार इनका जो फिल्म है आप लोग देखे होंगे तो आपको याद होगा कि वो फिल्म सुपर डुपर हिट किया है। आज का डेट में भोजपुरी फिल्म का जो स्थिति है थोड़ा डाउन है, इसमें कोई आप भी बताइए चाचा, आज के डेट में जो पहले वाला था जोश जुनून, जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शा वाला, वो आज के डेट में बिल्कुल नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब तक पुरानी ख्याल में नहीं जाएंगे, रीजनल में नहीं जाएंगे। आप रीजनल पिक्चर तो बना रहे हो लेकिन नामदेव के वो साउथ स्टाइल बना रहे हैं, साउथ स्टाइल बनाने से नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बोले आप, कि हमारी माँ बहन ने सिनेमा और क्या, घर में टीवी भी देखना पसंद नहीं करती है, क्यों अच्छी पिक्चर बनाइए। आपका वो फिल्म ही तो था ना निरहुआ रिक्शा वाला, सारे घर वाले देखे थे सारे, मतलब क्या बताएं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं चाहे हिंदुस्तान के किसी में कोना में हो, सब भी लोग देखे थे, सारे लोग का प्यार मिला था और इनको सब भी लोग जानते हैं। आज के डेट में बेशक ये किसी फिल्म में दिखाई नहीं दे रहे अपने स्वास्थ्य की वजह से, और हमें उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे तो ज़रूर आप लोगों को निरहुआ जी के साथ या पवन जी के साथ दिखाई ज़रूर देंगे जी। अगर इनके हिसाब से रोल इनको मिले तो काफी बखूबी अपना रोल निभाते हैं। आप लोग को याद होगा इनका जो फिल्म है, जैसे निरहुआ जी को डांटते थे तो काफी अच्छा लगता था, और इनका जो आवाज है आज भी वैसे ही बोल रहे हैं, मगर थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से डाउन है। जो बोली में इनका टोन था वो हम लोग को आज भी याद है, हम लोग शायद उस समय छोटे थे
कितना दिन चाचा पहले निरहुआ रिक्शा वाला बना था, उसका शूटिंग कहाँ पे हुआ था? याद नहीं है? निरहुआ हिंदुस्तानी गवाल में, राजा बंगलो गवाल में। ये सब कहाँ शूटिंग हुआ था? ये सब इन सब फिल्मों का शूटिंग कहाँ हुआ था? बिहार में तो नहीं हुआ था। नहीं, मतलब मथुरा में किए थे राजा बाबू और कहाँ करता है, छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ में किए थे निरहुआ हिंदुस्तानी। उसके सतीश जैन डायरेक्टर थे, बहुत वेरी नाइस डायरेक्टर। राजा बाबू का डायरेक्टर उन्हीं का असिस्टेंट मंजू ठाकुर थे, वो भी बहुत अच्छे। मुझे बहुत पिक्चर किया पर नाम मत लीजिए, कच्चे धागे, खेसारी के बाप। वो तो बात सही है, सही में बहुत सारे फिल्म में केवल पिता का ही रोल लिया है। पिता का ही लिया ना, किसी में विलेन का तो नहीं लिया ना? नहीं, उससे पहले विलेन ही करते थे जी। अच्छा, विलेन का भी रोल लिया है, खैर कोई बात नहीं, तो फिल्म है ना, और इनका जो नेचर है काफी अच्छा है। आपका सूर्य के धब दूसरा रोल नहीं किए, फिर बापी का मोहर लग गया। ये हमारे बिहार के और भोजपुरी इंडस्ट्री के धरोहर है, इनको ठीक रखना और इनका स्वास्थ्य ठीक करना हमारा और हमारे भोजपुरी कलाकारों का फर्ज बनता है। इनका आवाज़ उठाना हमारा काम है, हम लोग उठा रहे हैं। इनका सपोर्ट करना भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकारों का या फिर बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर है उनका काम है। इनको बचा के रखना, इनको स्वस्थ करना। इनको कैसे स्वस्थ लोग कर सकते हैं आप लोग, उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ें, क्योंकि ये एक धरोहर है हमारे लिए। और अपने धरोहर को बचाने के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते बताइए। ये इनको और कुछ होता है तो एक भोजपुरी इंडस्ट्री से एक सोना चला जाएगा, हीरा चला जाएगा। आप इस पे क्या कहिएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, आप बताइए इसके बारे में। देखिए, इलाज चल रहा है, हम इलाज तो बंद ही कर दिए थे, क्लोज हो गया था। कुछ तो उम्मीद होगा ना कि कैसे और कहाँ पे, इतना दिन से इलाज आपका चल रहा है तो आपको कैसा सपोर्ट चाहिए ये कोई एक बार बता दीजिए। आपको किस टाइप का सपोर्ट चाहिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? उनको मनी का सपोर्ट चाहिए, पैसे। रियल बात यही है कि पैसे का सपोर्ट चाहिए। इनके सपोर्ट से लोग आज करोड़पति बन गए हैं, कोई 5 करोड़ का मकान बना रहा है, कोई 20 करोड़ का बना रहा है, और इनका यही मकान है, दिखा दीजिए एक बार। यही मकान है, एक बिल्कुल सिंपल जैसे हम लोग का होता है, हम लोग के घर से भी छोटा घर है। और इनके वजह से लोग काफ़ी सुपर डुपर हिट किए हैं, क्योंकि किसी भी फिल्म में या फिर किसी कंपनी में सबका योगदान होता है, और पिता का तो सबसे ज़्यादा योगदान होता है, और ये पिता का रोल लिए हैं। तो अगर बड़े बड़े कलाकार लोग जो है वो ताजमहल अपना बनवा रहे हैं तो ताजमहल तो यहीं रह जाएगा, मगर ये जो है इनका याद हमेशा हम लोग के जहन में रहेगा। और इनको कुछ होता है इस स्थिति में तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।